ये नौकरानी के हाथ टोकरी में चार फल फ्रूट बेचकर तुमने क्या मखौल किया है एकमत? ऐसे होती है शादी? तो फिर कैसे होती है? लाला मरजान और तुम्हारी माँ कहाँ है? उनको आना चाहिए था शादी की तारीख लेके। ये क्या कि नौकरानी अगले जुम्मे की तारीख देके चली गई? वो दोनों राजी नहीं है। अब बताओ, जब वो राजी नहीं है तो मैं अपनी बेटी को जलील क्यों करूं? मैं अपनी बहन को दोबारा नाराज नहीं करना चाहती। जबान से फेर रही हो खाला? कुलमीना की शादी मुझसे करनी है या मेरे माँ बाप से? तो फिर ऐसा करो, भगा कर ले जाओ उसे। गैरत का मामला है, भगा के नहीं उठा कर भी ले जा सकता हूँ। ये गैरत नहीं, कुछ और है बेटा। और तुमको किस बदबख्त ने कहा है कि उठाना भगाना गैरत है? हिलमंद भी तो यही कर रहा है, फिर हम उसको क्यों गलत कह रहे? तुम ही नहीं तो मुझे कहा था हिम्मत करो। अब जब मैं कर रहा हूं तुम पीछे हट रही हो। हिम्मत करने को कहा था, जिल्लत करने को नहीं। गुलमीना असदुल्ला जैसे गैरतमंद की बेटी है, तुम भी इज्जतदार माँ बाप की औलाद हो। जिस शादी में माँ बाप शामिल ना हो वो शादी नहीं, सिर्फ जलालत है, तुम्हारी भी और मेरी भी। लाला मरजान और बाजी नहीं आएंगे तो ये शादी नहीं होगी। भेजा था मैंने अम्मा को तुम्हारे कहने पर, क्या किया तुमने? जलील करके निकाल दिया, याद है? मुझे सब याद है बेटा, मगर तुम भी याद रखो कि मैं जरगुना हूं। मैंने तुम्हारी माँ से दुश्मनी भी आंखों में आके डाल के की थी, और अब मोहब्बत भी उससे आंखों में आके डाल कर ही करूंगी। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं अपनी बहन के सामने झुकी नजरों के साथ नहीं जा सकती। लाला और बाजी नहीं आएंगे तो अगले जुम्मे तो क्या, कयामत के जुम्मे तक भी मैं तुमको गुलमीना नहीं दूंगी। कैसी फजूल बातें कर रही हो खाला? फजूल नहीं, असूल की बात कर रही है। तुम अगर सच में मुझसे मोहब्बत करते हो और इज्जत से अपने निकाह में लाना चाहते हो तो ना सिर्फ अपने माँ बाप को बल्कि अपने भाई को भी लाओगे। फिर देगी मेरी माँ तारीख, उसके बाद होगी धूमधाम से शादी।